नागपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून स्वतंत्र काटोल जिल्हा निर्मितीच्या मागणीसाठी काटोल जिल्हा कृती समितीचे अध्यक्ष प्रदीप उबाडे पाटील यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ कीर्ति और जैसा कि आप सभी जानते हैं नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन सत्र का शुभारंभ 19 तारीख से हुआ था जो कि 28-29 तारीख तक रहने वाले हैं। अलग अलग मांगों को लेकर के नागपुर शहर में अधिवेशन में मोर्चे लाए गए, तमाम प्रकार की यहां पर जो थी समस्याओं को लेकर के हुजूम लगा। मंत्री जियों ने, नेताजी लोग, कई प्रकार की ऐसी जो समस्या थी जिस पर की चर्चा भी हुई, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो फिलहाल के लिए अभी बाकी है। उनमें से एक मुद्दा है काटोल जिले का, क्योंकि काटोल को जिला बनाया जाना चाहिए, ऐसी ही समस्या और एक मांग लेकर के मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उबाड़े पाटील, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का मुद्दा लेकर के आप आए थे और एकनाथ शिंदे जी से भी आपकी बैठक हुई थी, तमाम जो चर्चा है उस पर थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। देखिए मैडम जी, पत्रकार महोदय जी, मेरी एकनाथ शिंदे जी से इसे निवेदन देने के बाद ऐसी बात हुई थी कि काटोल जिला होना चाहिए। ये लगभग 50 साल पहले की बात है, जब से 1960 में अपना महाराष्ट्र अलग हुआ तब से काटोल जिला और विदर्भ का मुद्दा तब से चल रहा है सीपीएन बेरार से। और काटोल जिला नागपुर जिले में से काटोल तहसील ऐसा है तो वो व्यापारी पेट से अच्छा जुड़ा हुआ है। किसानों का मुद्दा है, किसान लोग है, किसानों का है, बेरोजगारी वहाँ पे बहुत है और जो ग्रामीण क्षेत्र से सटा हुआ है। अरे आप बताइए, अगर काटोल का आदमी, काटोल तालुका का आदमी छेड़े से लेकर नागपुर तक आता है तो उसको 120 किलोमीटर तक नागपुर तक आना पड़ता है, और काटोल जिला बनता है तो उसको 50 किलोमीटर के 30 किलोमीटर के दिन उनका सब व्यवसाय हो जाता है। हमारी मांग यही है, सालों से मांग है, और हमारा क्षेत्र एक अनाज क्षेत्र हुआ है मैडम जी। सर, जैसा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनको काफ़ी देर तक आप दोनों की चर्चा हुई, चर्चा में क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया एकनाथ शिंदे जी ने आपको? नहीं, हमारी काफ़ी देर तक चर्चा नहीं हुई, खाली निवेदन दिया और उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कि हम काटोल जिला जल्दी से जल्द हम बनाएंगे, हम प्रपोजल रखेंगे, वहाँ सबसे पहले हम जिला रुग्णालय बनाएंगे, कलेक्टर कचहरी बनाएंगे, उसके अलावा जो भी जिला के जो ऑफिसेस है वो हम बनाएंगे, उसके बाद हम एक दो साल के अंदर हम जिले को फिर चालू कर देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो सर, जैसा कि हमने अधिकतर देखा आप क्षेत्रीय लोगों के लिए जो है काफी आवाज उठाते हैं, काटोल पे ऐसी कौन सी मुख्य समस्या है जिसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं? क्षेत्रीयों का तो एक विषय हो गया, उसके अलावा और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन पर पर्दा है, जिसका पर्दा उठना चाहिए, जो जिस पर काम किया जाना चाहिए एग्जैक्टली रूप से? काटोल का मुद्दा किसानों का तो है ही है, उसके साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ काटोल विधानसभा क्षेत्र में एक ही कंपनी का 40 साल से राज चल रहा है, वही के आमदार है, वही मंत्री है, 25 साल से मंत्री है, 40 साल से मंत्री है, वो देशमुख परिवार से आते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ आपको,